अब बात मीडिया जगत की। सबसे पहले बात करेंगे प्रखर श्रीवास्तव की। प्रखर श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली में अपने झंडे गाड़े हैं। स्क्रिप्टिंग के मास्टर प्रखर श्रीवास्तव अब दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में कंसल्टिंग एडिटर हो गए हैं। प्रखर की स्कूली पढ़ाई भोपाल में हुई और उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत इंदौर से सन 2000 के लगभग की। इंदौर से प्रखर दिल्ली पहुंचे और न्यूज़ टेलीविज़न का एक चर्चित चेहरा बन गए। प्रखर ने सहारा समय, फिर जी न्यूज़, NDTV, आज तक, इंडिया TV और न्यूज़ 24 में अपनी लेखनी से बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए। प्रखर और मेरा साथ इंडिया TV के दौरान रहा, जहां हमने कई बड़ी खबरें की। टेलीविज़न पर खबरों की प्रस्तुति का सारा जिम्मा आउटपुट का होता है और प्रखर श्रीवास्तव हमेशा आउटपुट के सबसे काबिल और भरोसेमंद पत्रकार रहे हैं। प्रखर की लेखनी ने बड़े बड़े संपादकों को प्रभावित किया है। अब देखना यह होगा कि प्रखर श्रीवास्तव दूरदर्शन समाचार में क्या तब्दीलियां लाते हैं। अब बात मध्य प्रदेश के एक और चर्चित पत्रकार की। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता में एक जाना पहचाना नाम है प्रवीण दुबे। प्रवीण पत्रकारिता के अलावा विशुद्ध लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। प्रवीण दुबे पिछले कुछ सालों से न्यूज़ 18 में मध्य प्रदेश की बागडोर थामे हुए थे। प्रवीण बाबू ने आउटलुक में अपनी खबरों से सबका ध्यान आकर्षित किया और फिर वे न्यूज़ 24 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ रहे। उन्होंने नई दुनिया और भास्कर डिजिटल में बतौर संपादक अपनी सेवाएं दी। इस बीच उन्होंने चर्चित पुस्तक मैं तुम्हारी कोशी लिखी, जिसने प्रवीण दुबे की लेखन शैली से पाठकों को बावस्ता किया। इस किताब की साहित्य जगत में खूब चर्चा हुई। न्यूज़ 18 से विदाई के बाद प्रवीण ने स्थानीय चैनल IND24 ज्वाइन किया है। इस चैनल पर प्रवीण बाबू जवाब तो देना होगा नामक एक शो में एंकर की भूमिका में नजर आते हैं। प्रवीण दुबे जिस किस्म के चितेरे हैं, उस हिसाब से IND24 बहुत ही छोटा कैनवास या छोटा प्लेटफॉर्म है। इस चैनल को आगे ले जाने के लिए दुबे जी को काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगी। प्रखर श्रीवास्तव और प्रवीण दुबे को अनेक शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।